जंगल में वही जानवर जिंदा रह सकता है जिसके पास ताकत होती है। हर दिन जिंदा रहने के लिए इनको जंग लड़नी पड़ती है, अपना पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए और खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जंग जरूरी है। यह जंगल का कानून है, इसलिए जंगल में अक्सर जानवरों के बीच भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाइयां होती रहती है। आज हम आपके लिए लाए हैं जानवरों की दिल दहला देने वाली ऐसी खतरनाक फाइट्स, जिन्हें देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो गुजरात के गिर नेशनल पार्क का बताया है, जो शानदार एशियाई शेरों के आवास के लिए जाना जाता है। यहाँ एक शेरनी और शेर के बीच की एक खतरनाक जंग को दिखाया गया है। ये दोनों एक खतरनाक दहाड़ मारते हुए एक दूसरे पर पंजे से वार करते हैं। इनकी दहाड़ ने पूरे जंगल में खौफ का माहौल बना दिया है। इस लड़ाई में शेरनी भारी पड़ती नजर आ रही है और शेर चुपचाप निकल जाता है। यहाँ एक जंगल के दो राजाओं के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों इस तरह उलझ पड़ते हैं जैसे ये एक दूसरे की जान लेकर ही रहेंगे। इनकी इस लड़ाई में शेरनियां भी कूद पड़ती है। आमतौर पर हाथियों की गिनती समझदार और शांत जानवरों में होती है, लेकिन जब गजराज को गुस्सा आता है तो सामने वाले को पलक झपकते ही धुएं में उड़ा देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दो हाथी ही आपस में भिड़ जाएं, तो क्या नजारा होगा। झाड़ियों के बीच जिस तरह ये दोनों लड़ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रेसलिंग का मुकाबला है। लेकिन लड़ाई बढ़ती ही गई और ये दोनों काफी उग्र हो गए। कुछ देर तक दोनों ऐसे लड़े जैसे आर पार की लड़ाई हो, लेकिन लड़ते लड़ते दोनों आखिर में थक गए और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। वैसे तो जिराफ स्वभाव में काफी शर्मिला होता है, पर उसे छेड़ दिया जाए तो काफी खतरनाक भी साबित होता है। दो जिराफ की गर्दन मार लड़ाई देखकर आप भौचक के रह जाएंगे कि भला ये शांत जीव भी लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं। तो ये अपनी गर्दन को अपना हथियार बनाकर एक दूसरे को इतना जोर से मारते हैं जिसकी आवाज सुनकर एक टाइम के लिए तो लगता है मानो इनकी गर्दन टूट ही जाएगी। यहाँ एक खेतों के बीच दो बैलों की खतरनाक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में एक सांड की एंट्री होती है और फिर लड़ाई का धमाकेदार अंजाम होता है। सांड ने दोनों बैलों को इस तरह हड़काया कि दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अभी इसी बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। जंगली भैंसें बहुत खतरनाक होती है क्योंकि ये हमेशा समूह में रहती है। लेकिन यहाँ इस भैंस को अकेले देख शेरों का झुंड इस पर हमला बोल देता है। लेकिन इस बफेलो के साहस को सलाम करना पड़ेगा जिसने अकेले ही शेरों के झुंड पर जाकर हमला बोल दिया। यहाँ एक शेर अपना दांव मारकर बच्चे पर हमला कर उसे पंजों से जकड़ लेता है। इतने में भैंस को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वह शेरनी को अपने सींग से उठाकर फेंक देती है। आखिर में जीत भैंस की ही होती है। शैतानियों में मास्टर बंदर जब लड़ाई पर आ जाएं, तो ये कितने खूंखार हो जाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दो गुटों के बंदर एक दूसरे पर झपट रहे हैं। पहले ये आपस में घुर्राते हैं, तभी इनके गैंग का एक लीडर दौड़कर दूसरी गैंग के बंदर पर झपटा मार देता है। फिर दूसरे बंदर मिलकर इस बंदर को घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जाते हैं। इनकी इस खतरनाक लड़ाई को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पर आए कुछ पर्यटकों ने दो बाघों के बीच छिड़ी खतरनाक जंग को देखा। ये दोनों बाघ जो कि सगे भाई हैं, जिसका नाम T57 और T58 है, इनकी ये लड़ाई देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। रणथंबोर के अधिकारियों का कहना है कि जंगल में इस तरह की फाइट अक्सर अपने क्षेत्र या मादा साथी के कारण देखने को मिलती है।
आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कुत्ता तेंदुए को डराकर भगा देगा। ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, मगर सच है। जंगल के बीच बैठे कुत्ते के सामने अचानक एक तेंदुआ कूद पड़ता है। कुत्ते ने भी घबराने की बजाय एटीट्यूड में उसकी ओर देखता और भौंकने लगता है। कुत्ते की हिम्मत देखकर बेचारा तेंदुआ घबरा जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। किसी ने सही कहा है, अगर एटीट्यूड सही हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। टेक्सास के सैन एंटोनियो चिड़ियाघर में ये कंगारू अपने बाड़े में आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। इनकी ये शानदार फाइट देखकर ऐसा लगता है मानो कोई मार्शल आर्ट फॉर्म है, जिसमें दो लड़ाके अपने हाथों का इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं। यहाँ एक मगरमच्छ पर एक नहीं बल्कि तीन भूखे शेर उसका शिकार करने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। मगरमच्छ को अपने जीवन के लिए इन शेरों से लड़ना पड़ता है। इनकी ये लड़ाई देखकर लगता है मानो ये एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। आमतौर पर एक शेर जहां बड़े से बड़े और खतरनाक जानवर को आसानी से काबू में कर लेता है, मगर इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां शेरनियों के एक झुंड द्वारा हाथी के बच्चों पर हमला किया जाता है। चारों तरफ से घिरा हाथी शिकारी शेरनियों के चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश करता है और बहुत देर तक संघर्ष के बाद वहां से निकलने लगता है तो एक शेरनी फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। इस बार हाथी हिम्मत दिखाते हुए फिर पीछे मुड़कर उसका तब तक पीछा करता है जब तक शेरनी घबरा कर वापस जाने को विवश नहीं हो जाती। अब देखिए रेनो वर्सेस हिरन। देखने में ये हिरन भले ही रेनो के मुकाबले छोटा और कमजोर है, लेकिन इतना बहादुर है कि अकेला एक के बाद एक चार रेनो का सामना करता है। इस हिरन के सामने रेनो को भी अब अपने पैर पीछे करने पड़े। यहाँ एक गुस्सैल मादा रेनो जो अपने इलाके में घुसे विशाल काय हाथी से भिड़ पड़ती है। इस दौरान उसका बच्चा भी उसके साथ नजर आ रहा है। रेनो को अपनी तरफ आता देख हाथी भी गुस्से में आकर उसे पीछे धकेलने लगता है। हाथी की ताकत और हुंकार को देख मादा रेनो अपने कदम पीछे खींचने और वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझती है। क्या आपको पता है एक हिप्पो अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। चूंकि ये एक आक्रामक जानवर होता है तो इसका गुस्सा भी काफी खतरनाक होता है, और इसी दौरान दोनों ही घोड़े अपने तीखे दांतों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। इनकी ये लड़ाई देखकर लगता है मानो ये एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। बात जब वर्चस्व की आती है तो अपने भी अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। नदी में दो बड़े मगरमच्छ आपस में भिड़ गए। एक ने दूसरे को अपने जबड़े में जकड़ लिया। पलटियां मारते दोनों क्रोकोडाइल कभी पानी के अंदर तो कभी पानी के बाहर लड़ते हैं। इनका ये संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। बर्फीले इलाके में ये बारह सिंगा पता नहीं क्यों लड़ने लगे। अपने नुकीले सिंगों से जब ये एक दूसरे को मारते हैं तो लगता है कि इनके सींग टूट जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।